अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कीमा स्पेगेटी की रेसिपी। बस इन्हें बना रही थी तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। काफ़ी दिन हो गए थे नहीं बनाए थे, तो इसलिए फिर अभी बना रहे थे तो मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली आपके साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें लिया है 2 अदद बड़े प्याज लिए मैंने, क्योंकि मैं जो है ना पूरा 1 पैकेट पास्ता बनाऊँगी। तो थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, उसमें डाल दिए थे प्याज, इसे मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। इसमें मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, बस एंड हो गया था अदरक लहसुन का पेस्ट का भी, जितने बचा था मैंने सारे डाल दिया इसमें। तो इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, जब लहसुन ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें शामिल करूँगी। बहुत टेस्टी पास्ता तैयार होता है, इसमें मैं कोई सब्ज़ियाँ वब्जियाँ नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना सब्ज़ियाँ नहीं खाते होते। तो पास्ता में ख़ास तौर पर मैं नूडल्स बना रही हूँ सारी, तो जो है ना उसमें वो सब्ज़ियाँ नहीं खा रहे होते, तो इसलिए मैं ना इसमें सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं डालूँगी। तो बस अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो चीज़ें बच्चे खाते हैं आप वो डालो, अगर जो नहीं खाते आप वो ना डालो। तो मैंने इसमें डाल दिया था कीमा, कीमा मैंने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1 अदद टमाटर। टमाटर मैं 1 अदद ही डालूँगी, क्योंकि मैं इसमें टमाटर को केचप यूज़ करूँगी बाद में, वो सॉसेज यूज़ करूँगी, तो मैंने टमाटर इसमें कम डाला है। तो मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, वो डाल दिया इसमें। और ये मैं पैकेट जब ले चले गए थे तो मेरे पास खुले पड़े हुए थे, तो ये मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था, मैंने खोला नहीं था। तो आज इसके खोलने का दिन आ गया था, तो मुझे इसमें से चिली सॉस ख़त्म हो गया था वो चाहिए था, और सोया सॉस भी चाहिए था। हालांकि विनेगर की मेरे पास पूरी बोतल बड़ी वाली पड़ी हुई है, वो अभी मैंने खोली है, ये मैं नहीं खोलूँगी क्योंकि वो जब ख़त्म होगी उसके बाद मैं ये ओपन करूँगी। तो ये मैं निकाल रही थी इस टाइम, क्योंकि मुझे पास्ता मैंने शामिल करने थे, तो ये मैंने निकाल दिए और इसमें शामिल करूँगी। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है इसमें, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस डाला है। लेकिन जब मैंने चिली सॉस का जायका चेक किया ना, तो शंगरीला का चिली सॉस बिल्कुल भी जो है ना फीका नहीं है। तो वैसे मैंने पहले पता नहीं किसी दूसरे शायद का यूज़ किया था, वो बहुत ज़्यादा फीका था, ये इसका जायका फीका इतना नहीं है। तो फिर मैं इसमें मसाला वसाला डालूँगी बाद में, इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और मसाला मैंने इसमें मैगी के मसाले के 2 पैकेट डाल दिए थे, और जो थे मेरे पास फजीता मैकरोनी का मसाला पड़ा हुआ था, वो भी मैंने पूरा 1 पैकेट इसमें डाल दिया था। साथ में इसमें केचप डाल दूँगी, तकरीबन 4 बड़े चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें केचप, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। बस नूडल्स जैसे बॉयल करती हैं उसी तरीके से मैंने नूडल्स बॉयल कर दिए थे साइड बाई साइड। ये मैंने इस टाइम इसमें ये मसाला डाल दिया था साइड बाई साइड, मैंने नूडल्स बॉयल कर दिए। जब पानी उबलने लगता है तो फिर मैं उसमें डाल देती हूँ नूडल्स, उसमें तेल डाल देती हूँ थोड़ा सा 1 चम्मच, और हसबे जायका नमक डाल देती हूँ। जब नूडल्स कुक हो जाते हैं तो फिर मैं उसे छान के रख देती हूँ। उसमें जो है ना ठंडा पानी गुजारना ज़रूरी होता है, ताकि जो नूडल्स होते हैं आपस में चिपके नहीं। ये मैगी का मसाला मुझे बहुत पसंद है, मैं हर पास्ता हो या नूडल्स हो मैं हर चीज़ में ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इस टाइम इसमें डाल दिए थे, और लास्ट में भी मैंने फिर इसमें ना नूडल्स में ऊपर से भी डाल दिया था। तो इसी के साथ, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो, हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। ये मैंने डाल दिए थे इसमें नूडल्स, और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स हो नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था, तो फिर मैंने मोबाइल साइड पर रख के फिर से अच्छी तरीके से मिक्स किया था। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि सारी चीज़ें ना एक दूसरे में रच बस जाए। तो बस इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दें। बहुत मज़े क्या है कि ये नूडल्स तैयार होते हैं, जो नूडल्स लवर हैं ना तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, उनको ज़रूर पसंद आएंगे। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था फिर थोड़ा सा चिली सॉस, जो मैंने आपको बताया था ये थोड़ा ठीक है इतना नहीं है, तो मैंने इसमें लास्ट में फिर ये डाल दिया था, और थोड़ा सा केचप मैं फिर डाल दूँगी, और मसाले जो मैंने डाले थे मैगी का और फजीता का वो 1 पैकेट फिर डाल दूँगी।
क्योंकि मुझे इसमें स्पाइसेस कम लग रहे थे, तो इसके हिसाब से अगर आप टेस्ट करें, अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हो तो फिर आप ज़्यादा डालो, कम पसंद हो तो फिर आप कम डालो। बस बच्चे मेरे खड़े थे, सबसे पहले मैंने उनको दिया। मेरे बेटे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से, और उसने बहुत मज़े से खाया। और वो कह रहे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं, तो आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना है, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाने हैं और इसी तरह उनके कॉमेंट पा के खुश हो जाना है। तो इस टाइम ये मैं खा रही थी। इसी के साथ ये जो है ना मज़ेदार से नूडल्स की रेसिपी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके नूडल्स कैसे बने। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।